तो जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। लास्ट सोमवार का और रक्षाबंधन विशेष दिन है, तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अभी टाइम देख सकते हैं 7 बजने ही वाला है, ठीक है। और सुबह उठे थे, ठीक है, लेकिन आपको बताए थे कल का ब्लॉग मेरा देखे होंगे कि सुबह कहा था दोस्त फ़ोन करेंगे तो रनिंग के लिए जाएंगे और उसे पूजा करने जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन दोस्त फ़ोन किया नहीं और हम गए भी नहीं। तो इसलिए अभी अपना मोटरसाइकिल से ही पूजा करने के लिए निकल दूंगा। मोटरसाइकिल मेरा नहीं, बगल का चचा के, तो उनके से मांग के अपना दोस्त के साथ ही निकल रहा हूँ। अपना बगल का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, आप सभी लोगों अगर कभी मौका मिले तो आइएगा, धनेश्वर धाम मंदिर है शिव जी का। तो चलिए वहाँ मिलते हैं, फिलहाल अब निकलते हैं अपना मोटरसाइकिल से। आज का आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा तो अंत तक बने रहिएगा, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिलहाल धनेश्वर धाम अपना। तो चलिए अपना लाइन में देखिए, करीब 1 घंटा से ओवर हो रहा है लाइन में, अभी तक लगा हुआ हूँ। तो करीब अभी देख सकते हैं जल उल लिया हूँ, पसीना से गर्मी है, देख लीजिए भीड़ बहुत अधिक है अभी तक। चलिए अपना गोल बाप, गोल बाप, ये गलत है बाबा, भूल जा रहे हैं आप लोग। हर महादेव चलिए अपना देखिए, पूजा वूजा कर लिया हूँ और भीड़ आप देख ही सकते हैं कितना अधिक भीड़ है, आपको दिखा देता हूँ भीड़ ज़्यादा, देख सकते हैं महादेव के। इधर देखिए महिला लोग लगा हुआ है, अगर आप लोगों को भी कभी मिलता है मौका तो जरूर आइए सिद्धेश्वर धाम मंदिर, जम्मू जिला के बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपना घर की ओर, निकलते हैं यहाँ पूजा वूजा करें, 1 घंटा टाइम लग गया है, तो चलिए चलते हैं अपना घर की ओर। ऐसे माँ और ऐसे बच्चे हर किसी को दे कि अपने बच्चों के हाथों से दान कर रहे हैं, बड़ा गर्व होता है धर्मस्थल में, जो छोटे छोटे लोग दान देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो बड़ा गर्व होता है। बाबा इनकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने 11 रुपए के दान दिए, बाबा इनको खूब आगे बढ़ाए और खूब दान दे मंदिर विकास के लिए। जय जयकार हो। 20 रुपया वो दिए तो ना खोलिए रतन का, विक्रम कुमार इन्होंने 20 रुपये का दान दिए, सुहानी कुमार इन्होंने 20 रुपये का दान दिए, कुमार इन्होंने 20 रुपये का दान दिए, और है आगे बढ़िए।
तो चलिए अपना पूजा वूजा करके आ गए हैं। देखिए टाइम भी 9:30 बज रहा है और आज रक्षाबंधन है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों से कई बजे से मतलब रक्षाबंधन बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ब्लॉग तो ये कल मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, लेकिन आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा कि कई बजे आप लोग रक्षाबंधन बना रहे हैं। ठीक है, हमारे तरफ तो 1:30 से रक्षाबंधन है। तो चलिए कुछ देर अब आराम आराम करके खाना वाना खा के फिर पढ़ाई वक्त मिल। तो चलिए दोस्त, अपना पढ़ाई कर रहे थे 11 बजे से और खाना वाना खा के पढ़ेल बैठे थे मंदिर से आने के वक्त। और पढ़ाई में क्या कर रहे थे, जो मतलब कल टेस्ट दिए थे संडे को, तो उसी को भी अपना नोटबुक कर रहे थे, अपना कॉपी लाया साथ में, क्योंकि हर संडे जो हम गलती करते हैं उसको अपना कॉपी में उतार लेते हैं, क्योंकि अगला संडे वो गलती हम दोहराते नहीं। ठीक है, क्योंकि अगला संडे गलती करेंगे तो फिर नंबर नहीं पड़ेगा, इसलिए हर संडे के सोचते अपना नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप लोग भी टेस्ट दीजिए तो जो गलती करते हैं उसको नोटबुक कीजिए, और कुछ क्वेश्चन जो सही भी होता है उसको भी नोटबुक कर लीजिए। ठीक है, तो आज अभी टाइम 2 बज रहा है, आज रक्षाबंधन है, तो 1:30 बजे के बाद आज रक्षाबंधन था। तो चलिए अब हम भी राखी उखी अपना बनवा लेते, अपना दीदी आई हुई है, तो चलिए अपना राखी उखी बनवाते। आप लोग बताइएगा अपने बहन को, अपना दीदी को कितने कितना पैसा देते हैं। मेरे पास इतना पैसा दे रहे हैं भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, हम पैसा वैसा देंगे नहीं, जब तक नहीं कमाएंगे तब तक पैसा वैसा देंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अब पढ़ाई वक्त आप लोगों के साथ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अब यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज अच्छा बंधन था तो पढ़ाई कर नहीं सका उतना, कल वही 2 घंटा आज का पढ़ाई हुआ, रनिंग भी नहीं किए थे, टाइम अभी देख सकते हैं करीब 2 बजने वाला ही है। तब चल के अब खाना वाना खा के सो जाऊंगा, सुबह उठ के फिर रनिंग के लिए निकलूँगा। ठीक है, अब वीडियो को यहीं करते हैं, ब्लॉग कैसा लगा आज का कमेंट कीजिएगा, तब तक जय हिंद जय श्री राम।